अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुकद्दस रियाज और आप देख रहे हैं सियालकोट न्यूज़ टीवी। 14 अगस्त की इस बड़ी खुशी के मौका पर सियालकोट मोटरवे सिटी ने एक बहुत ही शानदार तकरीब का इनकाद किया है और इन्होंने सियालकोट के मौजूद शहरियों को ये पैगाम दिया है कि वो इस तकरीब में नहीं बल्कि अपने घर में तशरीफ़ लाएँ और आज ही अपने कस्टमर्स को पोजेशन भी देने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, हम इनसे जानेंगे कि प्री लॉन्चिंग से लेकर अब तक सियालकोट मोटरवे कितनी कामयाबियाँ समेट चुका है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ये 75 साल पाकिस्तान को हो गए तो क्यों ना थोड़ा सा सेलिब्रेट करें इसको विद योर काउंट 5 4 3 2 1 0। आवर सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पे। टुगेदर 5 4 3 2 1 ऐसी सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज ये फख्र से कह रहा हूँ कि सियालकोट मोटरवे सिटी आज से 2 महीने पहले जहाँ खड़ा था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सियालकोट मोटरवे सिटी उसी तरह ही प्रॉफिटेबल है। हमारा पावर बैकअप भी है, आई डोंट नो इधर की सोसाइटीज में है कि नहीं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ब्रिंगिंग दिस इन सियालकोट मोटरवे सिटी, सियालकोट के लिए स्पेशली जो हम लोग पावर बैकअप लेके आ रहे हैं यहाँ पे कमर्शियल कंपनसेशन दे रहे हैं। आप सब लोगों को इस चीज़ का मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, और ये सब आप लोगों की लगन से, आप लोगों की मेहनत से, और सबसे बड़ी बात 5G की हार्ड वर्किंग, इनकी टीम की हार्ड वर्किंग से मैं इनको बहुत 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 मुबारक देता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जी तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ सियालकोट मोटरवे सिटी के GM सेल्स मुअज़्ज़म मीर साहब मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे बताइएगा, प्री लॉन्चिंग से लेकर अब तक सियालकोट मोटरवे सिटी कितनी कामयाबियाँ समेट चुकी है? प्री लॉन्चिंग से लेकर अब तक सियालकोट मोटरवे सिटी की मैं यही कामयाबी कहूँगा कि सियालकोट मोटरवे सिटी का हर प्रोडक्ट अभी तक प्रॉफिट में है। इधर रीजन में, इस रीजन में जितनी भी सोसाइटीज़ और भी लॉन्च हुई है उसका हर प्रोडक्ट हमेशा रिबेट पे होता है, लेकिन सियालकोट मोटरवे सिटी का जब भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो बेशक कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, वो कोई भी साइज़ हो, हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है। ये हमारी सक्सेस है। और प्री लॉन्चिंग के मौका पर जो सियालकोट की आवाम को ख्वाब दिखाए गए थे, उनको कितना अमली जामा पहनाया गया? उनको आज आप उस इवेंट के खुद आप इसको विटनेस कर रहे हैं। ये जो इवेंट है, ये पोजेशन का इवेंट है, और ये जो पोजेशन का इवेंट अगर आप पिछले इवेंट से देखें तो सिर्फ ये 75 डेज़ के अंदर हुआ है। तो यही हमारे जो हम लोगों को हमने जो वादे किए थे, ये उसकी तरफ फर्स्ट माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया। और आज की तकरीब के मौका पर आप सियालकोट की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आज के मौके पे यही पैगाम दूंगा कि इसको हमने जो इवेंट को रखा है वो 14 अगस्त को रखा है, इस पर पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, प्लस इस सोसाइटी को लॉन्च करने का मकसद भी ये था कि, और इधर हमने जो ये कर रहे हैं कि इधर की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके लोगों के लिए, जो इधर के लोकल लोग हैं सियालकोट के लिए, तो यही हमारा आगे विजन भी है कि हमने मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हर एक को देनी है। आप जो हमारे कस्टमर्स देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? कस्टमर्स के लिए यही है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो प्रॉपर एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई करके करें, आप हमारी साइट विज़िट करें, डेवलपमेंट प्रोग्रेस देखें, NOC चेक करें, जो हमने वादे किए थे उन पे देखें कि कितना अभी तक हमने उसके ऊपर अमल कर चुके हैं। वो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर्स के जितने भी ये ग्रे एरियाज़ है वो ऑटोमेटिकली वो ब्राइटर साइड पर हो जाएंगे, उनका जो कॉन्फिडेंस है उससे और उनको बूस्ट मिलेगा सिर्फ एक साइट विज़िट से।
और आज की जो इतनी शानदार तकरीब की गई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज की जो तकरीब थी वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, वो हमने कमर्शियल पोजीशन इधर अनाउंस किए हैं और कमर्शियल पोजीशंस हमने अलॉट किए हैं आज अपने कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, डीलर्स भाइयों को, और ये सिर्फ और सिर्फ 75 डेज़ के अंदर हुआ है। और ये सब कुछ जितने भी हमारे ऑफिशियल सेल्स पार्टनर हैं, हमारी टॉप मैनेजमेंट है, और जो हमारा विजन है ये उसकी अक्कासी करता है। मुझे बताइएगा कि हमारे इन्वेस्टर्स सियालकोट मोटरवे सिटी में ही क्यों इन्वेस्ट करें? सियालकोट मोटरवे सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास बहुत से रीजंस हैं। इनके जो हम इधर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, इधर पार्क्स है, हॉर्टिकल्चर है, सीवरेज प्लांट है, आरओ प्लांट जो कि कभी किसी सोसाइटी में नहीं लगा, सीवरेज प्लांट आज तक किसी सोसाइटी में लगा वो हम दे रहे हैं। प्लस इधर हम एक हाई राइज बिल्डिंग्स लेके आ रहे हैं, मोनोमेंट बिल्डिंग्स लेके आ रहे हैं, ये सब कुछ जो सियालकोट में पहले कभी किसी सोसाइटी ने नहीं ऑफर किया। इन्हीं रीजंस की वजह से सियालकोट के जितने कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, डीलर्स हैं, वो इधर खुश दिली से आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़िन आपने हमारी आज की तकरीब देखी जो कि सियालकोट मोटरवे सिटी ने आज 14 अगस्त के मौका पर बहुत ही शानदार तकरीब का इनकाद किया था। और अभी हमने इनके जीएम सेल्स मौज़म मीर साहब से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि इन्वेस्टर्स क्यों सियालकोट मोटरवे सिटी में ही इन्वेस्ट करें। और अब तक जितने भी इन्वेस्टर सियालकोट मोटरवे सिटी में इन्वेस्ट कर चुके हैं वो प्रॉफिट में ही गए हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।